अब तक आईपीएल का हिस्सा ना बन सके। ताहम खेलों की वेबसाइट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है वेबसाइट ने। ऑब्वियसली मैं PSL का ही नाम लूंगी, लेकिन एक ये भी नहीं कि यार वो इंडियंस हैं तो इस वजह से मैं उनकी बात करूँ। बस बात ये है कि फर्क दोनों में बहुत फर्क है, एक ही के IPL जो है वो स्क्रिप्टेड होता है और PSL जो है वो रियल होता है, बस एक फर्क है। दोनों लीग्स बहुत अच्छी हैं, उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, हमारे पास बॉलर्स अच्छे। IPL के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजर्स के सामने चंद सवालात रखे, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में होते तो सबसे ज्यादा कदर किस खिलाड़ी की होती, कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलते और सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर की कीमत होती, जिस पर मुख्तलिफ IPL फ्रेंचाइजर्स ने 5 खिलाड़ियों को मंतखब किया है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। पाक भारत सियासी कशीदगी ने खेलों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। भारतीय हुकूमत की हठधर्मी के बायस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2008 के बाद से अब तक IPL का हिस्सा ना बन सके। ताहम खेलों की वेबसाइट क्रिक इन्फो ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक वेबसाइट ने IPL की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजर्स के सामने चंद सवालात रखे कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में होते तो सबसे ज्यादा कदर किस खिलाड़ी की होती, जिसमें 5 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर शादाब खान होते, जिनकी कीमत 5 से 6 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई। फास्ट बॉलर हसन अली भी IPL फ्रेंचाइजर्स की नजरों में हैं और उनकी हालिया कारकर्दगी के बायस उनकी कीमत 3 से 5 करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर अगर IPL ऑक्शन में अवेलेबल होते और उन पर बिडिंग होती तो उसके प्राइस बताए हैं एक किसी वेबसाइट के हवाले से। तो दोस्तों पाकिस्तान के प्लेयर के इन्होंने जो प्राइस बताए, आप बता दें कि उन प्लेयर्स में पाकिस्तान के खास प्लेयर थे मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसनैन जो भी है उनका हसन अली नाम है शायद, और एक और है शादाब खान। तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्राइस बताई गई है IPL में इनके द्वारा वो सही है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पैशन प्लेयर्स के साथ खेलें और ग्रूम हो, तो PSL और IPL में क्या डिफरेंस है आपकी नजर में और कौन सी लीग ज्यादा बेस्ट है? ऑब्वियसली मैं PSL का ही नाम लूंगी, लेकिन एक ये भी नहीं कि यार वो इंडियंस हैं तो इस वजह से मैं उनकी बात करूँ। बस बात ये है कि फर्क दोनों में बहुत फर्क है, एक ही के IPL जो है वो स्क्रिप्टेड होता है और PSL जो है वो रियल होता है, बस एक फर्क है। दोनों लीग्स बहुत अच्छी हैं, उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं। तो अभी जैसा IPL तो 11 सीजन पे चली गई है, हमारा अभी जो है 5th सीजन स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पे बैट्समैन अब बेहतर आ रहे हैं, जैसे बाबर आजम देखें नंबर 1 पर है, इसी तरह बॉलर्स हमारे पास अभी जो यंगस्टर्स आपने देखे अंडर 19 से आए हैं, तो PSL उस लेवल पर आ जाएगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी उससे भी। सर डिफरेंस सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है, जो PSL है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, जबकि जो IPL है वो फुल ऑफ मनी है। उसमें लोग आते हैं सिर्फ मनी बनाने के लिए, इंटरनेशनल असाइनमेंट छोड़ देते हैं और IPL में आते हैं। PSL जो सी है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर प्लेयर्स आते हैं, लाहौर का खाना इंजॉय करते हैं, लाहौर के अंदर कराची है वहाँ खाना बिरयानी वो इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो PSL है वो बेहतर है। डिफरेंस यही है कि वो IPL के 12 सीजन हो गए हैं, PSL का 5वां सीजन है, इसको भी हमें टाइम देना चाहिए, टाइम टू टाइम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखें आप 10 साल तक IPL के जो टीम्स ऑनर्स थे उनको पैसे नहीं दिए गए, इधर भी PSL के में भी यही वो है कि शेयर्स नहीं देते उन्हें टीम्स को। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप देखें मैचेस आ रहे हैं पाकिस्तान में, पहले एक मैच हुआ फिर 3 हुए, 8 मैच हुए, पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। आने वाले सीजन में भी PSL पाकिस्तान में होगा। इंडिया IPL जो है वो शुरू से इंडिया में हो रहा है, बेसिक जो फर्क है वो ये है। IPL का जरा बड़े स्केल भी होती है, उसके अंदर ज़्यादा माफिया इन्वॉल्व है, उसके ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, डेफिनेटली उसकी लीग रिलेटिवली बेहतर है कम्पेयर टू PSL। लेकिन PSL अभी जल्दी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, इसके बहुत ज़्यादा अभी तक सेशन नहीं हुए, तो इट विल इंशाल्लाह इंप्रूव विद टाइम। देखें PSL अभी ग्रो कर रहा है, PSL अभी जिस तरह पाकिस्तान में आई है तो आप देखेंगे कुछ सालों में ये IPL के लेवल पे आ जाएगी, लेकिन क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बढ़ रहा है और इसका स्टैंडर्ड जो है वो हाई काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली IPL इस टाइम पे ज़्यादा एक अच्छी लीग है और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों लीग्स में, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है IPL, ठीक है,
बहुत अच्छे और बड़े प्लेयर आते हैं, उनका क्राउड बहुत आता है। हमारे कंट्री में अब सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, लेकिन अब लोगों की नज़र में तो फिलहाल हैं, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल इमेज ऐसा ही है हमारा दुनिया में कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इसी वजह से अच्छे प्लेयर्स नहीं आते। अच्छे प्लेयर्स नहीं आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और सारी की सारी ये गेम रेवेन्यू की है। जितना पैसा आप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतनी अच्छी से अच्छी लीग होती जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी डिफेंस है, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। इस टाइम ऑनेस्टली आईपीएल तो बेस्ट है ना, ये इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट आईपीएल बेस्ट है, लेकिन पीएसएल हमारे अपने मुल्क की एक ब्रांड है, इसे हमें करना चाहिए प्रमोट। लेकिन बस इंशाल्लाह प्लेयर्स आएंगे हमारे मुल्क में पीएसएल, इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड होगा इंशाल्लाह। इंडिया प्रीमियर लीग बेसिकली वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान सुपर लीग के, तो पाकिस्तान सुपर लीग भी बेटर है, लेकिन इसे मजीद थोड़ा सा वक्त दरकार है, इंशाल्लाह ताला वो बेहतर हो जाए। ठीक है, आप चाहती हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आए, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने के लिए इंडिया जाए, आप चाहती हैं क्या ऐसा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यार देखो कंट्रीज एक आपस में जो है वो नफरत नहीं फैलानी चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, हमारे क्रिकेटर्स को वहाँ पर हमारे को भी देना चाहिए इंडियंस यहाँ पे आके खेल रहे, तो ऐसा नहीं फर्क होना चाहिए। प्लेयर्स तो हमेशा से खेलना चाहते हैं, तो प्लेयर्स को कभी मेरा ख्याल कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि उनको गेम से प्यार है। तो बस ये हमारे थोड़े से बोर्ड्स का इशू है, और अक्रॉस द कंट्री जो बॉर्डर पे इश्यूज हैं उस वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वरना प्लेयर्स मेरा नहीं ख्याल कभी एतराज़ करेंगे। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो तो चाहेगी कि दोनों मुल्कों के प्लेयर एक दूसरी जगह आगे क्रिकेट खेले, क्योंकि क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स तो दोनों मुल्कों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्हीं का मसला है कि उन्होंने बनाया हुआ कि जी हम पीएसएल नहीं खेल सकते, वो आईपीएल नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल में आवाम तो चाहती है कि हम पीएसएल भी। और बता दें आपको, पाकिस्तानी प्लेयर 2008 के बाद से आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं। आपको पता है 2008 के अप्रैल में आईपीएल हुआ था, और नवंबर में 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में बैन है। हालांकि एक पाकिस्तानी प्लेयर ने आईपीएल खेला है, उसका नाम है अजहर महमूद, लेकिन उसके पास था यूके का पासपोर्ट। यही कुछ हाल अब मोहम्मद आमिर के साथ भी हो सकता है। मोहम्मद आमिर की वाइफ है यूके की, और उनके पास भी बहुत जल्द यूके की पासपोर्ट यानी यूके की नागरिकता उसको मिल जाएगी, और कुछ साल बाद शायद 1-2 साल में वो भी आईपीएल ऑक्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है यूके की नागरिकता में। मतलब आप समझ सकते हो, यूके का उसके पास पासपोर्ट होगा और पाकिस्तान का ये प्लेयर आईपीएल में अवेलेबल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तानी मीडिया ने इनकी प्राइस बताई है आईपीएल में, वो सही होगी या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए कैपेबल है, मतलब अभी करंट की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि बाबर आजम T20 में अभी नंबर 1 या 2, जो मुझे रैंकिंग नहीं पता है किस रैंक, शायद 3 में है, नंबर 1 डेविड मलान, 2 पे KL राहुल और 3 पे बाबर आजम है, तो उसकी क्या वेडिंग होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर है जो आईपीएल खेलने के लिए कैपेबल है, मतलब आईपीएल में बिक सकता है, कैपेबल तो सभी रहते हैं लेकिन बिकना आईपीएल में एक अद्भुत मतलब एक अलग सी कहानी हो जाती है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्या आपको लगता है पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? आपको भी पता है पाकिस्तानी प्लेयर को लगभग आईपीएल खेले हुए 13वां साल है ये, मतलब बैन होते हुए, मतलब 2001 सीज़न के बाद शायद कोई भी पाकिस्तानी मतलब प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अवेलेबल नहीं था। अगर उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है तो वो पाकिस्तान का, वो मतलब पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, तो वो पाकिस्तान की तरफ से भारत में आईपीएल में ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हालांकि अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर मतलब पाकिस्तानी बॉर्न इमरान ताहिर अभी भी आईपीएल के लिए अवेलेबल हैं, 41 साल के हैं, सीएसके के लिए वो खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के मतलब उनका उनके पास है पाकिस्तान की सिटीजनशिप और साउथ अफ्रीका की भी सिटीजनशिप है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जो आईपीएल में बिक सकता है? हालांकि मेरे हिसाब से तो शाहीन अफरीदी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का आईपीएल में बिकेगा, क्योंकि आपको पता है आईपीएल का ऑक्शन कितना डिफरेंट है। आज मतलब देखा होगा आपने, मैक्सवेल इतना ज़्यादा महंगा बिक गया, लेकिन डेविड मलान जो नंबर 1 T20 बैट्समैन है केवल 1.5 करोड़ अपने बेस प्राइस पर ही बिका। तो इससे आप समझ सकते हो आईपीएल का ऑक्शन का कितना गेम उल्टा ही रहता है, यहाँ पर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान की टीम से एक ही बॉलर है जिसका नाम है शाहीन अफरीदी, वो ही आईपीएल खेल सकता है अगर कोई उसे ख़रीदता है। उसके अलावा शायद हो सकता है कि वो
शादाब खान को भी ले लें, लेकिन ऐसे स्पिनर भारत में बहुत सारे हैं, तो मे बी शाहीन अफरीदी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर खेलेगा। बाबर आजम भी अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसको भी शायद मौका मिले आईपीएल में, क्योंकि आपको भी पता है चार प्लेयर ही अवेलेबल हो सकते हैं, तो चार में ज़्यादातर ऑप्शन एक्सप्लोसिव बैट्समैन की ओर जाएंगे। तो बाबर आजम अभी भी T20 में नंबर वन है, लेकिन वो उनके अंदर वो नहीं है जो आप समझ सकते हो जो T20 के मतलब IPL जैसे टूर्नामेंट के लिए जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो होता है दी एंड, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।